मैं हम लोग बैठे थे, हमारे बच्चे, एकदम काफला आया था हिंदुओं का और एकदम घर में आके बल्ले मारने लगे। हम देख के एकदम घबरा गए, हमारे कैमरे लगे थे गली में, वो सारे तोड़ दिए उन्होंने। उसके बाद हम लोग भागे तो हिंदुओं के नारे लगवा रहे थे हम लोगों से, हमें पकड़ने लगे, हमने गेट बंद कर लिया। फिर हम मौका लगा के हम भागते चले आए, सारे लोग भाग से बिहार से हम लोग भागते हुए चले आए। बड़ी मुश्किल से हम अपनी जान बचा के आए, अपने बच्चों को सबको लेके आए। हमारे घर भी जल गए, हमारे सब कुछ जल गया, पैसा टका खाली हाथ लेके आए, सिर्फ बच्चों की जान लेके आए, हमारे पास कुछ भी नहीं। जिस दिन से ये 23 तारीख से चालू हुआ उसी दिन से फंसे हुए थे यहाँ। मेरी बेटी का हाथ भी टूट गया यहाँ तक के भगदड़ में, मेरा कैसे कैसे अपने बच्चों की जान बचाई भूखे प्यासे 5 दिन के बाद। आज मेरी जब हमें टाइम मिला, गली से हमको रास्ता खुला दिखा, तब हम निकले। नहीं तो हम घर में कैद थे, हमारा जो कुछ था ना सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ जो बीन बटोल के इकट्ठा किए थे 6-7 महीने में सब बर्बाद हो गया हमारा। हम तो बिल्कुल तबाह हो गया। बोल रहे थे जय श्री राम के नारे लगाओ तो हम रहने देंगे, बनना नहीं इन मुल्लों की, तो इन्हें तो विदेश विदेश करना है, इस पे राज सिर्फ हिंदुस्तान पे, हमारा राज चलेगा हिंदू भाई का। बोले हमें मुसलमान को यहाँ से निकालना है, मुसलमान एक भी मुल्ला यहाँ पर दिखाई देगा उसे हम गोली से मार देंगे। ये सब आर एस वाले आदमी हो, कोई नहीं है यहाँ पर। एकदम जय श्री नाम के नारे लगाते, इतनी भीड़ में पब्लिक आई है, लाठियाँ तलवारें लेके और पत्थरबाजी इतनी करी गई, हम डर के मारे अपने घरों में बैठ गए छुप के अपने बच्चों को लेके, और जेंट्स जो थे वो हमारे सब घरों के अंदर आ गए, पैक हो गए बिल्कुल अपने गेटों को बंद करके, और छत से हमारे जेंट्सों ने हमें मतलब झांकने तक नहीं दिया ताकि हम सेफ रहें। और वहाँ पे इतनी माहौल इतना ख़राब हो गया, हमारे घरों के दरवाजे तोड़े गए, लाठियाँ मारी गई, पत्थर मारे गए, हमारी दुकानों को लूटा गया है, आग लगाई गई है हमारी मस्जिदों में, छत के ऊपर से कोई और छत पे जाके फिर मैंने बाहर निकली, सारे बच्चों 5 बच्चे छोटे छोटे वो तो मैं बच गई। मैं तो गलतियाँ भी मान ली, अपने घर भी फूट करके माँ बहन सबको बोली अब नहीं बचूंगी, खत्म। चारों बगल से आग लगी हुई थी, धुएं धुएं काली पड़ गई थी, पूरे पूरे गली काली पड़ गई थी। हम मस्जिद में इमाम साहब के चेहरे पे तेजाब डाल के उन्हें भी मार दिए, उनकी जवान लड़की के चेहरे पे तेजाब डाल दी। हमने अजान दिए मस्जिद में, सिर्फ अजान दिए, नमाज नहीं हुई हमारी मस्जिद में, अंदर घुस के एकदम उन्होंने सिलेंडर लगा के आग लगा दी। बाहर पुलिस वाले भी खड़े थे और 10-20 आदमी भी खड़े थे, फिर आप कुछ नहीं बोले, जो गुंडे आए थे उनसे कह रहे मारो सालों के लिए, उनसे नारे बुलवाए, इनके लिए आजादी चाहिए लाओ हम देंगे इन्हें आजादी, हम लोगों से कह रहे तुम्हें आजादी चाहिए लाओ हम देंगे। अमित शाह ने जो गुंडे भेजे वो थे, तलवारें थी उनके पास, जमीन पर खचेड़ रहे थे, आवाज आ रही थी तलवारों की हमारे ऊपर। हम अपने बच्चों को बड़ी मुसीबत से लेके आए बहुत हिम्मत करके, हमारी हिम्मत भी टूट गई थी इस वक्त उनके हिंदुओं के नारे बोले जा रहे थे। बहुत ताजा थी उनकी तो, इतनी ताजा थी उनकी तो, कोई लिमिट नहीं थी, वो पहले से उन्होंने इंतजाम कर रखा था, हमारे पास कोई इंतजाम नहीं था। अब अगर कोई भीड़ आ जाती है ठीक है, वो मेरे घर के दरवाजे को तोड़ती है और मैं अपने घर पर हूँ, मेरी फैमिली है, उसको सेफ मैं कैसे करूँगा जरा ये बताओ, शासन प्रशासन से मेरे को ये बताओ। मेरे पास में ना तो बंदूक है, ना मेरे पास में कुछ है, और ना मेरे को लड़ाई करनी है, उस वाली सिचुएशन में मैं क्या करूँगा सर, उस वाली सिचुएशन में। अब क्या करा जा रहा है, अब अगर मैं परिवार है, अब मैं छत पर जाऊँगा तो पत्थर नहीं है मेरे पास में, कुछ नहीं है, या तो मैं पानी डालूँगा या कुछ डालूँगा। अब एक चीज़ बताओ, जिन लोगों के हाथ में तलवार है, बंदूकें हैं, जिनके पास में सारी चीज़ें हैं, वो अपनी हिफाजत कैसे करेगा। इन्नल्लाहो महासाबरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के हमेशा साथ रहता है, हमारा ईमान एकदम मजबूत है और हमेशा मजबूती पे रहे तब ना हम बचे, अगर मजबूती पे ना होते तो हम नहीं बचते वहाँ पे। मेरा ईमान एकदम मजबूत था तब निकाल के लाए अपने माँ बाप बहन भाई को, 9-10 आदमी को निकालना कोई खाने का काम नहीं होता है।